हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारत चीन सीमा विवाद के बीच वायुसेना के अधिकारियों की बैठक 22 और 23 जुलाई को होनी है। बैठक में सीमा पर राफेल की तैनाती पर चर्चा होगी। वायुसेना के वरिष्ठ कमांडर चीन सीमा की स्थिति पर चर्चा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक वायुसेना चीफ आरकेएस भदौरिया के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक का मुख्य एजेंडा चीन के साथ सीमाओं पर स्थिति और पूर्वी लद्दाख और उत्तरी सीमाओं में बल द्वारा की गई फॉरवर्ड तैनाती होगा। बिहार के किशनगंज बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने भारतीय युवक को गोली मारकर घायल कर दिया। किशनगंज जिले के टेढ़ागाच के फतेहपुर में नेपाल बॉर्डर सीमा पर शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने 3 भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की। फायरिंग में जितेंद्र कुमार को गोली लगी, वो घायल हैं। जितेंद्र का इलाज पूर्णिया में चल रहा है, जहां उनकी हालत गंभीर है। ग्रामीणों ने बताया है कि जितेंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ मवेशी खोजने नेपाल बॉर्डर तक चला गया। घटना के बाद से भारत नेपाल सीमा पर तनाव है। आज जयपुर में सचिन पायलट समर्थक 18 विधायकों की याचिका पर सुनवाई जारी रहेगी। सचिन पायलट और 18 बागी विधायकों ने विधानसभा से अयोग्य करार देने के नोटिस को चुनौती दी है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की सोमवार और मंगलवार को हुई 2 बैठकों में व्हिप जारी होने के बाद भी हिस्सा नहीं लिया। वहीं पायलट खेमे की दलील है कि पार्टी का व्हिप केवल तब लागू होता है जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो। आईआईटी भुवनेश्वर और एम्स की एक संयुक्त रिसर्च रिपोर्ट में कोरोना पर चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों का दावा है कि मॉनसून और सर्दियों में कोरोना के मामलों में संख्या बढ़ जाएगी। रिसर्च की माने तो बारिश और सर्दियों में मौसम के ठंडे होने से देश में कोविड 19 के संक्रमण के लिए यह समय अनुकूल हो सकता है। आईआईटी भुवनेश्वर के प्रोफेसर वी विनोद की अगुवाई में यह स्टडी अप्रैल और जून के बीच 28 राज्यों में आए मामलों को ध्यान में रखते हुए की गई है। स्टडी में पाया गया है कि मौसम में नमी बढ़ने से कोरोना के मामले बढ़ते हैं और केस दोगुना होने का समय लगभग 1.18 दिन घट जाता है। पीएम मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को फोन कर बाढ़ और कोरोना की स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बिहार, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के सीएम से बात कर उनके राज्य में कोरोना और बाढ़ की स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की और केंद्र से हर जरूरी मदद का भरोसा दिलाया। असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल से पीएम मोदी ने बागजान गैस कुएं में आग बुझाने के प्रयासों को लेकर भी जानकारी ली। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण की तारीख तय हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। पीएम मोदी भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या जाएंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अयोध्या में रहेंगे और इसी दौरान भूमि पूजन करेंगे। विकास दुबे मुठभेड़ केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यूपी के कानपुर में विकास दुबे और उसके साथियों के एनकाउंटर केस में निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच आयोग बनाने के आदेश दिए थे। मोबाइल सेवा कंपनियों पर देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। मोबाइल सेवा कंपनियों पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी के मामले पर सुनवाई होनी है। लॉकडाउन के दौरान खुद को नुकसान में बताकर इस भुगतान के लिए समय मांग रही कंपनियों से सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का हिसाब किताब पेश करने को कहा है। सरकार ने कंपनियों की तरफदारी करते हुए कहा था कि उन्हें बड़ी देनदारी एक ही बार में चुकाने के लिए कहा गया तो देश में टेलीकॉम सेक्टर का बुरा हाल हो जाएगा, उपभोक्ताओं पर भी इसका असर पड़ेगा। आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि मोबाइल कंपनियों को रकम चुकाने के लिए कितना समय दिया जाए। छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व के मौके पर आज गोधन न्याय योजना की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों, संसदीय सचिवों और प्राधिकरण के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम भूपेश बघेल खुद रायपुर दुर्ग का प्रभार देख रहे हैं। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार गोपालकों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी और वर्मी कंपोस्ट खाद और दूसरे उपयोगी उत्पाद बनाए जाएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में आज से 4 इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। लखनऊ के इंदिरा नगर, गाजीपुर, आशियाना और सरोजनी नगर में आज से पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। लखनऊ प्रशासन के मुताबिक इन इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आए हैं, जिसकी वजह से फैसला लिया गया। उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आज से पूरे देश में कंज्यूमर
प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने जा रहा है। सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नया कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा। नए कानून के तहत ग्राहक किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के लागू होने के बाद उपभोक्ता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करनी जरूरी होगी। ग्राहकों के साथ फर्जीवाड़े पर 2 से 5 साल तक की कैद या 50 लाख तक का जुर्माना पड़ सकता है। ग्राहक को फर्जी या लुभावने विज्ञापन देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में अब से केवल एमपी के स्थानीय निवासियों को ही दर्शन का मौका मिलेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे भक्तों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सोमवार से मंदिर में केवल एमपी के भक्त ही दर्शन कर सकते हैं। सावन के महीने में महाकाल मंदिर में रोजाना 8 से 10 हजार भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। जुलाई के महीने में देश में कोरोना की रफ्तार खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 38,902 केस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के मामलों का यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देश में आज कोरोना के मामले 11 लाख के पार हो सकते हैं। भारत में कोरोना से अब तक 26,816 लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना से ठीक हुए लोगों की संख्या 6,77,423 है। देश में इस समय रिकवरी रेट 62% से ज्यादा है। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। रविवार को बिहार में एक दिन में 1,412 नए मामले सामने आए। बिहार में अब तक कोरोना संक्रमण के 26,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार देखकर पटना के 25 अस्पतालों में एंटीजन टेस्ट की सुविधा शुरू कर दी गई है। अस्पताल में ये सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार के इंडस्ट्रियल एरिया सिडकुल में एक ही कंपनी के 288 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एमएनसी कंपनी में काम कर रहे 500 कर्मचारियों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। इन कर्मचारियों से शहर भर में कोरोना संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद डीएम ने हरिद्वार की सभी फैक्ट्रियों के 10% कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराने के आदेश दे दिए हैं। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि बिहार में लोग कोरोना से परेशान हैं, लेकिन सरकार वर्चुअल रैली कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि सरकार के मुखिया ने बिहार की जनता को कोरोना संकट में मरने के लिए छोड़ दिया है। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव उस सीएम पर उंगली उठा रहे हैं जिनका लोहा सब मानते। यूपी के बागपत में बीजेपी के गाजियाबाद लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शिव मंदिर में जबरन जलाभिषेक किया। पूरा गांव भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर अपने असलाधारी गार्ड के साथ मंदिर पहुंचे थे और पीछे के दरवाजे से मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया। विधायक नंद किशोर ने न चेहरे पर मास्क लगाया था और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया था। मंदिर प्रबंधन समिति ने कोरोना के चलते मंदिर को बंद रखा था और सिर्फ झंडा पूजन की रस्म निभाई थी। महाराष्ट्र ने बीजेपी के अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि इस बार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के जन्मदिन को सादे तरीके से मनाया जाए। कार्यकर्ताओं को विज्ञापनों, होर्डिंग्स और समारोह से दूर रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र बीजेपी ने अपील की है कि कोरोना मरीजों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का जन्मदिन 22 जुलाई को मनाया जाए। असम में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से बड़ी तबाही हुई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन से राज्य में अब तक 107 लोगों की मौत हो चुकी है। असम में 26 जिलों में 27 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारी बारिश से अब तक 108 पशुओं की जान चली गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा 4.53 लाख लोग यानी कि 4.5 लाख लोग गोलपाड़ा में प्रभावित हुए हैं। बारपेटा में 3,44,000 लोग और मोरी गांव में 3,41,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बिहार में कल आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। गया, पटना, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, नवादा और बेगूसराय में बिजली गिरने से मौत हुई है। मरने वालों में पूर्णिया के एक ही परिवार के 3 लोग शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज के लिए भी आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधेपुरा, सहरसा, सीवान, गोपालगंज और सारण जैसे इलाकों में बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। बिहार के दरभंगा में बागमती नदी के तेज बहाव से बांध टूटने के कगार पर है केवटी के गोपालपुर में। बागमती नदी पर बंधे
बांध से तेजी से पानी का रिसाव हो रहा है और 20 फीट तक बांध टूट चुका है। पिटुरुच में बांध टूटने से ग्रामीण 3 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। बांध टूटने से गांव के सैकड़ों घर और पंचायत घर में पानी घुस चुका है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण आज से स्थानीय प्रशासन के विरोध में अनशन पर बैठेंगे। यूपी के नोएडा में फेज 3 में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा की फेज 3 पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान यूनुस मलिक नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान यूनुस के पैर में गोली लगी थी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। यूनुस पर एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश के पास से फर्जी नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद हुआ। यूपी में एक के बाद एक शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो रहा है। बस्ती के पिपरा गौतम में बाबा रामशंकर दास माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल 3 महिला टीचर पर जाली डिग्री दिखाकर नौकरी लेने का आरोप है। इस मामले में एसटीएफ ने क्लर्क को सस्पेंड कर दिया है। एसटीएफ ने प्रिंसिपल और महिला शिक्षकों का वेतन भी रोक दिया है। 2 शिकायतकर्ताओं ने क्लर्क और प्रिंसिपल के खिलाफ जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति लेने का आरोप लगाया था। मुंबई से सटे भिवंडी में कोरोना मरीज ने क्वारंटीन सेंटर से कूदकर खुदकुशी कर ली। मरीज ने दोपहर के समय भीड़ के बीच कूदकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी की वजह साफ नहीं हो सकी है।